एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं दिखाने वाली हूँ कियारा का गोल्ड एंड सिल्वर कलेक्शन, जो कि बहुत लोग मेरे से बोल रहे थे कि आप अपने ज्वेलरी कलेक्शन दिखाइए, क्योंकि मैंने इससे पहले वीडियो डाली हुई है तो इससे रिलेटेड सब कह रहे थे कि आपने अपनी रिंग की डाल दी है, ईयर रिंग की भी मैंने वीडियो बना के डाली थी, तो मेरे नेकलेस का देखना चाहते थे। तो और एक दो कमेंट ये भी आए थे कि कियारा की कोई कलेक्शन दिखाओ, अगर गोल्ड अगर सिल्वर में कोई भी कलेक्शन है तो मैं आज वो दिखाने वाली हूँ। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इयर रिंग से, क्योंकि इयर रिंग भी बच्चों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी होते हैं अगर गर्ल है तो। आजकल तो लड़के भी पियर्सिंग करवा लेते हैं। तो सबसे पहले मैं दिखाऊँगी इयर रिंग, जो कि कियारा के बहुत ही पहले ले रखे थे मैंने ये वाले, और बहुत दिन से मैंने कम से कम ये 5 ईयर हो गए होंगे लिए हुए, क्योंकि मैंने सोचा था जब भी इसकी पियर्सिंग होगा तो मैं लूँगी। तो ये मुझे बहुत अच्छे लगते थे ये वाले इयर रिंग। तो सबसे पहले मैं ये वाला इयर रिंग दिखा रही हूँ, जो आप ये देख सकते हो, नॉर्मल पर्ल होता है गोल्ड का, ये वैसे ही है और बहुत प्यारे लगते हैं ये बच्चों के। तो एक ये वाला है, तो मतलब एक पेयर है ये पूरा, मैं आपको पूरे दोनों दिखा देती हूँ। ये देखिए ये दो, और इसके बाद नेक्स्ट है जो डायमंड की लिए थे मैंने बहुत पहले से लिए हुए हैं अभी कियारा के, तो अभी 6-7 मंथ हुए हैं शायद इसके पियर्सिंग हुए हुए। तो ये है डायमंड के, आप देख सकते हैं। सो गाइस, एक है ये बाली बोलेंगे इसको, इस टाइप की बाली होती है जो बच्चों के लिए बहुत बहुत कंफर्टेबल होती है, क्योंकि पीछे का जो वो होता है ना वो चुभता नहीं है अगर हम पेच वाला अगर हम पहनाते हैं तो। ये बहुत अच्छी बाली है गोल्ड की, एक ये है। और दूसरी है जो इसकी नानी ने दिए थे तार वाले, बहुत अच्छे हैं वो, मैंने एक बार एक वीडियो में दिखाए हुए हैं, वो अभी मुझे मिल नहीं रहे हैं, वैसे तो है यहीं पर ही, बट मैंने रख दी है इसको बहुत अच्छी तरह संभाल के। और नेक्स्ट है कैरेट लाइन से, अभी थोड़े दिन पहले ही लिए थे ये मैंने, 1-1.5 महीना हुआ होगा। तो ये बहुत बहुत अच्छी कलेक्शन है कैरेट लाइन की, आप देख सकते हो ये वाली। ये है पेपा पिंक, जो कि इसके ब्रेसलेट भी मैं लेकर आई थी, बट वो आते के साथ अगले दिन ही टूट गया था, तो मैं इसके मतलब सेट लिया था पूरा, एक ब्रेसलेट और ये, और इसके वो ब्रेसलेट चेंज करके मैं इयर रिंग लेकर आई थी कियारा के, जो डायमंड के जो उसने पहन रखे हैं अभी, तो वो भी दिखाऊंगी। तो ये हैं पेपा पिग एक ये वाले, बहुत ही अच्छे हैं। बहुत वैरायटी है पेपा पिग की भी कैरेट लाइन पे, और बहुत बहुत जैसे कि फिश भी मिल जाएगी, स्टार भी मिल जाएंगे, बहुत अच्छी वैरायटी है कलेक्शन। अगर बेबी के लिए आपको इस ब्रेसलेट देखना है या इयर रिंग देखना है तो आप बहुत अच्छे से देख सकते हो, ये देख सकते हो। और इसके बाद नेक्स्ट है इयर रिंग का, तो एक कियारा ने पहन रखे जो वो मैं दिखाऊंगी आपको, उससे एक है तार वाले जो उसकी नानी दिए थे, ये जो बर्थडे का लास्ट अभी मार्च में 25th का उसका बर्थडे होता है, मैंने दिखाए थे तो। और नेक्स्ट अभी मैं दिखाने वाली हूँ आपको उसके चेन, जैसे कि उसकी चेन दिखाऊंगी सबसे पहले। तो इसकी दिए थे नानी ने ये वाली चेन जब ये कियारा हुई थी, ये छोटा ही साइज है ये वाला, तो ये बहुत बहुत अच्छी है, इसका मतलब साइज देख सकते हो किसी हैवी भी है। जब कियारा हुई थी मेरे को पता ही इस चीज़ का पता ही नहीं था फर्स्ट बर्थडे पे, तो अभी एक चीज़ दिखाऊंगी वो दिया था, ये चेन कियारा के जब पैदा होते हैं, छठी होती है तो उसके बाद जो फंक्शन होता है ना उसके लिए दी थी, बट हमारे फंक्शन नहीं हुआ था। तो ये है एक चेन जो कि बहुत बहुत सुंदर है। तो एक चेन इसकी दादी ने भी दी थी जो कि ये वाली है, तनिष्क की है, मैं इसको ना अच्छे से दिखा
और अच्छी है। सो गाइज नेक्स्ट है जो इसकी क्यारा की मासी ने दिया था पेंडिंग ओम, जो ये देख सकते हो यार कैसे था, ये देख सकते हो आप जो पेंडेंट दिया था ओम है इस पे, हार्ट शेप में है। तो ये गोल्ड का पेंडेंट है जो कि एक कोई भी काले धागे में या किसी भी चीज़ में हम पिना सकते हैं, काले धागे में ही पिनाते हैं ओम। तो एक ये ओम है जो कि, और दूसरा ओम मैं लेकर आई थी क्यारा के लिए जब ये हुई थी, छोटी सी थी बहुत, तो ये ब्लैक धागे में ही है। एक ये है, इसमें ओम बने हुए, मतलब जब ये हुई थी ना इसके गले में मैंने यही पिना रखा था, जो कि स्कूल जाने पे मैंने निकाल दिया था। अब तो कोरोना हो गया तो इसके बीच में स्कूल भी नहीं जाती ना, मैंने इसको ये पिनाया है, बट ये बहुत अच्छा लगता है, ये देख सकते हो आप। नेक्स्ट मैं इसके हाथों के लिए, मैं नानी ने दिया था इसकी, जब स्टार्टिंग में जब बच्चा छोटा होता है तो नजरिए पिनाते हैं, तो ये मैंने पिनाया था, मतलब नानी ने दिया था। ये गोल्ड के हैं, इसके अंदर ना गोल्ड के दिए हुए हैं जो डिज़ाइन वाले होते हैं, दो हैं ये, एक और है, एक ये है, दो पिनाते हैं, जो कि बहुत अच्छा चीज़ रहती है अगर आपको बच्चों को गोल्ड में कुछ पिनाना है हाथ में, तो ये काले धागे के अंदर गोल्ड के मोती आप सारे, बहुत सारे मोती भी कर सकते हो, चार मोती भी कर सकते हो, आठ मोती भी कर सकते हो, जितना आप चाहते हो गोल्ड के कर सकते हो, तो ये बहुत अच्छा लगता है। एक और है जो निकल गया था, टूट गया था, तो मैंने वो निकाल के रख दिया है, वो चार मोती मेरे पास पड़े हैं ये गोल्ड के अलग से, तो उसको मैं और बनवाऊंगी तो दोबारा इसको पिना दूंगी। क्या नाम और नेक्स्ट है ये ब्रेसलेट जो अभी इसने रोज डेली में पहनती है क्यारा, ये वाला जो कैरेट लाइन से ही लिया हुआ है मैंने, जो शायद मैंने आपको दिखाया है किसी भी एक वीडियो में, हाँ ये दिखाया हुआ है, तो ये बटरफ्लाई है बीच में, बहुत बहुत अच्छे मिलते हैं, तो आपको मिल ही जाएगा। मैंने हाँ एक बार मैंने दिखाया था, जो दूसरा नेक लेकर आई थी तो वो इसके टाइट हो गया था, उसके बदले मैंने ये वाला लिया था जो आप ये देख सकते हो। अच्छा इसका क्यारा का बर्थडे हमने बनाया था, फर्स्ट बर्थडे जो अच्छे से धूमधाम से बनाया जाता है, मोस्टली लोग बनाते हैं फर्स्ट बर्थडे अच्छे से, तो हमने क्योंकि फर्स्ट फंक्शन नहीं किया था क्यारा के होने के बाद, तो हमने वो फंक्शन फर्स्ट बर्थडे भी किया था, तो ये वाला फंक्शन मम्मी ने दिया था मेरी, मतलब मम्मी ने और मतलब क्यारा की नानी ने, ये कड़े दिए थे जो मैं दिखाती हूँ निकाल के अच्छे से, ये वाले दो कड़े दिए थे जो कि काफ़ी अच्छा वेट है इसका, हैवी है, हल्के नहीं है, मतलब ये हैवी है, तो बच्चों के हिसाब से होने चाहिए वैसे ही है। तो ये दो, ये एडजस्टेबल है जो कि आप ये ऐसे एडजस्ट कर सकते हैं दोनों को, जैसे छोटा करना चाहते हो तो छोटा और बड़ा करना चाहते हो तो बड़ा भी हो जाएगा, तो ये देखो। डिज़ाइन आप देख सकते हो इस टाइप का है कड़े। ये है रिंग जो कि क्यारा की बहुत बहुत सुंदर है, ये इसकी मासी ने दी थी मेरे से जो बड़ी दीदी हैं वो, मैं आप इसको पहना के दिखाती हूँ, बहुत सुंदर लगती है ये। बच्चों को रिंग बहुत बहुत अच्छी लगती है, तो ये मैंने इसको पहनाया है देख सकते हो आप। और एक अभी मैं इसके डायमंड की दिखाती हूँ आपको अभी। सो गाइस जो मैंने बोला है डायमंड की, ये वाले मैंने इसको पहना रखे हैं, ये है बाली जो आप देख सकते हो, बहुत प्यारा डिज़ाइन है, और ये मैंने अभी थोड़े दिन पहले अपने लिए लिए थे, बट ये मेरे पर अच्छे नहीं लग रहे थे तो मैंने क्यारा को ये पहना दिए हैं। ये है डायमंड के, जो मैंने पेपा पिक का ब्रेसलेट लिया था, मैंने पेपा पिक के इयररिंग के साथ जो ब्रेसलेट लिया था ना, उस वो ब्रेसलेट टूट गया था, तो उसके बाद मैंने ये वाले इयररिंग लिए थे, ये वाले इयररिंग क्यारा के, जो कि बहुत सुंदर लग रहे थे इसके ऊपर, मैंने अपने लिए लिए थे ऊपर पहनने के लिए, जहाँ पे यहाँ पे पहनते हैं ना, तो ये पहनने के लिए लिए थे, बट इसके ऊपर बहुत अच्छे लगे, और ये टाइट भी है ये नहीं है, और घर में ही पहन रही है, बाहर मैं नहीं पहनने दूंगी, मतलब स्कूल जाएगी तो मैं बिल्कुल नहीं पहनने दूंगी, और ना मैम पहनाने देती है। सो गाइस अभी तक तो मैंने दिखाया था गोल्ड कलेक्शन क्यारा का, जो कि अभी तक मैंने इसके लिए लिया है, और आपको मैं दिखा देती हूँ सिल्वर कलेक्शन जो कि नॉर्मल है सबके पास होता है, ये तो नजरिए जो टाइप होते हैं, और ये बहुत सारे थे जैसे इस टाइप की चीज़ें जो होती हैं क्यारा की, ये इस टाइप का,
नजरिए जो इसकी मासी ने दे रखे हैं। ये हो गया, ये काला हो गया। और ये पन्नी में जैसे कवर करके रखोगे चांदी को तो वो तो ठीक रहती है, अगर तुम्हें चांदी में हवा लगती है तो वो काला हो जाता है। तो ये काला हो चुका है, ये बाहर रह गया था और ये अंदर था, पैक था अच्छे से थैली में। तो ये थी एक 11 की कलेक्शन ये जो कि, और एक है पायल ये वाली, ली थी बहुत पहले। और 11 को मैंने बहुत पायल पहनाई है, सब बच्चों लड़कियों को तो मोस्टली सभी पहनाते हैं, तो खोई भी बहुत है 11 ने। जैसे कि ये मैं एक बार प्लेन पायल लाई थी, बहुत एंटिक में लाई थी मैं ये, जो कि एक इसकी है नहीं, खो गई है। और बहुत सुंदर सुंदर पायल पहनाती थी मैं 11 को। एक ये है जो दिखाई मैंने अभी आपको, इसका कलेक्शन, इसमें थोड़ा सा कलर है, कलर देख रहे हो कलर। दूसरा है ये वाला जो एक ही में मैंने डाल के रखी है, बहुत हैवी है ये जो पायल है ना, बहुत हैवी है ये वाली, जो नॉर्मल डिज़ाइन होते हैं बच्चों के वो आए। ये दो हैं मैंने ज्वाइन करके रखी है, खो ना जाए तो ज्वाइन करके रख लो, पायल का तो यही होता है। और एक है ये वाली जो छोटी सी है, बहुत प्यारी है ये, बच्चों को बहुत बहुत पसंद आती है, छोटे छोटे बच्चों में जो चलते हैं चलना सीखते हैं ना, तो जब ये बहुत अच्छी लगती है बच्चों के। तो एक है ये वाली जो डिज़ाइन देख सकते हो आप, नॉर्मल डिज़ाइन है ये वाली ना, ज़्यादा वो खास नहीं है। सो गाइस मैंने आपको मोस्टली सारी चीज़ें दिखा दी हैं, बट कोई कोई एक दो चीज़ हैं जो अभी मेरे को मिल नहीं रही है, तो मैं उसको कभी और वीडियो में शेयर कर दूँगी। तो ये चेन है दो, ये है ब्रेसलेट, और ये इयर रिंग है, ये पेंडेंट है दो, ये डायमंड की इयर रिंग है, ये बाली है, ये कड़े हैं, और ये पेपा पिक के बहुत ही अच्छे डिज़ाइन के इयर रिंग है, ये है रिंग, और ये सारी ज्वेलरी सिल्वर है। तो ये देख सकते हैं मैंने बनाई है, ये रिक्वेस्टेड वीडियो थी एक जो कि मैंने बनाई है। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय गाइस। और आपको ज़रूर बताना ये आपको ये कलेक्शन कैसा लगा किड्स का, जो कि आप भी खरीद सकते हैं। कुछ चीज़ें तनिष्क की हैं, कुछ चीज़ें कैरेट लाइन की, और कुछ चीज़ें जो नॉर्मल गोल्ड वाले होते हैं वो है। तो मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, बाय।